أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم صدق الله العظيم. ये सूरत النمل की आयत नंबर 7 से आयत नंबर 11 तक पांच आयतें आप हजरात के सामने तिलावत की गई हैं। गुज़िश्ता कल के दर्स में सूरत النمل शुरू हुई थी और ये बात आपसे अर्ज़ की थी कि अल्लाह पाक ने इस सूरत के बिल्कुल आगाज़ में अपने इस पाकीज़ा कलाम क़ुरान करीम की अज़मत को बड़ाई को बयान फरमाया है। चूँकि ये कलाम पाक जब अमली तौर पर एक मुसलमान की ज़िंदगी में आता है और सिर्फ ज़बानी नहीं अमली तौर पे भी इस क़ुरान करीम को हम अपनी ज़िंदगी में जगह दें, हमारी ज़िंदगी के हर मौके पर इस क़ुरान के अहकामात नज़र आए, तो बिलाशुबा इसकी बरकत हम सोच भी नहीं सकते कि क़ुरान करीम की कितनी ज़्यादा बरकतें। जो आज की आयात हैं इसमें अल्लाह पाक ने एक मिसाल एक नमूना पेश किया, इसलिए कि इंसानी फितरत ऐसी है कि इसको बात बहुत जल्दी समझ आती है जब इसके सामने कोई मिसाल कोई वाक़या नमूना पेश किया जाए। तो अल्लाह पाक ने इन आयात में जो आज की पांच आयतें हैं इसमें अल्लाह पाक ने एक नमूना एक वाक़या पेश किया और वो वाक़या किन का है, हज़रत मूसा अला नबीना वालेहि सलातु वस्सलाम का। और ये वाक़या क़ुरान करीम में कई मकामात पे बार बार दोहराया गया, अल्लाह पाक ने इसको बयान किया और इसके बयान करने का मकसद अल्लाह पाक ये समझाना चाहते हैं कि जो बंदा भी अल्लाह पाक के क़ुरब को हासिल कर लेता है अल्लाह के करीब हो जाता है तो अल्लाह पाक इसके लिए दुनिया के मामलात और मराहिल और मसाइल को भी आसान कर देते। क़ुरब इलाही से ये खुला फ़ायदा है, एक जिसको कहते हैं ना नक़द फ़ायदा, कि इंसान की ज़िंदगी और दुनिया के मसाइल भी हल होने लग जाते हैं। तो हमारे लिए तो क़ुरब इलाही का एक बड़ा ज़रिया क्या है, क़ुरान करीम के साथ जुड़ जाना, क़ुरान पर अमल करना। तो मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को अल्लाह ने बतौर नमूने के पेश किया कि वो मेरे मुकर्रब बंदे थे लेकिन उन पर हालात आए, मुश्किल आई, तकलीफ़ आई, अल्लाह ने उनको क्या मकाम दिया उसका ज़िक्र है। इन आयात का तर्जुमा है इस क़ाला मूसा लिअहली ही, तुम याद करो उस वक्त को जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा, इससे मुराद इनकी अहलिया है बीवी, उनसे कहा इन्नी आनस्तु नारा, बेशक मुझे आग महसूस हुई है यानी आग नज़र आ रही है दूर से, साती कुम मिन्हा बेखबर इन, बस मैं आपके पास वहाँ जाकर कोई या तो ख़बर लेके आता हूँ, औ आती कुम बिशहाबिन क़बस इन, या उस आग के पास जाके कोई जलता हुआ अंगारा लेके आता हूँ, लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम उससे गरमाइश हासिल कर लो। फलम्मा जाअहा, पर जब मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के करीब पहुँचे नू दिया तो उनको आवाज़ दी गई, अम्बूरी का मन फिन्नारी व मन हौलहा, कि बाबरकत है वो भी जो इस आग के पास है और बाबरकत है वो भी जो इस आग के अतराफ़ में है। देखिए दो दो तबकों का ज़िक्र हुआ,
बाबरकत है वो भी जो इस आग के पास है। इससे मुराद मुफस्सिरीन ने लिखा ये अल्लाह के फरिश्ते थे, चूँकि फरिश्ते नूरानी मखलूक है, अल्लाह की बरकतें उनके साथ हैं। वमन हौलहा और जो इस आग के इर्द गिर्द वो मूसा अलैहिस्सलाम थे उनको भी बाबरकत फरमाए। वह सुबहानअल्लाह रब्बिल आलमीन और पाक है अल्लाह की ज़ात जो तमाम जहानों का रब है। या मूसा अल्लाह ने फरमाया ए मूसा अलैहिस्सलाम इन्नहु अनल्लाहु बेशक मैं अल्लाह ताला हूँ। अब ये आवाज़ आ रही है इनको मैं अल्लाह हूँ अल अज़ीज़ जो कि गालिब हूँ अल हकीम जो कि हिकमत वाला हूँ। व अल्क़ असा का और आप अपनी इस लाठी को डाल दीजिए फेंक दें। फलम्मा रआहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से लाठी डाल दी जब देखा तो तहतज़ो तो वो लाठी हरकत कर रही है का अन्नहा जानुन गोया के वो एक पतला सांप है। जानुन किसको कहते हैं पतला बारीक सांप। वल्ला मुदबिरा ये देख कर के मेरी लाठी सांप बन गई और हरकत में आ गई तो एक खौफ आया दिल में तो पीठ फेर के दौड़ने लगे। वलम युअक्किब और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। अल्लाह ने फरमाया या मूसा ला तखफ ए मूसा मत डरिए इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून बेशक हमारे यहाँ जिनको मुंतखब किया जाता है वो डरते नहीं हैं। आपके लिए बहुत बड़ा फ़ैसला होने लगा है रिसालत का आप मेरे रसूल बनने लगे। इल्ला मन ज़लमा हाँ डर और खौफ तो उन पर आता है जो जुल्म कर ले। ثم بدل حسنا بعد سوء और फिर गुनाहों के बाद की ज़िंदगी को नेकियों से तब्दील भी कर दे। فإني غفور الرحيم तो बेशक मैं बख्शने वाला रहम करने वाला हूँ। अब ये जो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़िया है ये हम पीछे सूरतुल क़सस में भी तफसील से पढ़ कर आए हैं और आप हजरात यकीनन इससे वाकिफ़ होंगे तफसील में नहीं जा सकते। मुख्तसरन ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम का जो असल इलाका है और असल जो मौलिद व मस्कन था वो कौन सा मुल्क था मिस्र मुल्क मिस्र जहाँ फिरौन की बादशाहत। लेकिन फिरौन ने इनके कत्ल का मंसूबा बनाया तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मिस्र छोड़ के कहाँ चले गए मदियन चले गए। ये दूसरा मुल्क है मदियन। मिस्र से मदियन आए और मदियन में पहले से अल्लाह के एक पैगंबर मौजूद थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम जब आए उनसे मुलाकात की उन्होंने सवाल जवाब किए समझ गए सारे हाल अहवाल समझ गए ये भी अल्लाह के पैगंबर हैं। फिर अपनी एक बेटी का निकाह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया। ये मैं सिर्फ एक जोड़ के लिए आपको खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ। दो बेटियाँ थीं बड़ी बेटी का निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया इनके निकाह में दे दी। और जब निकाह हो गया कुछ वक्त गुज़रा तो अब पता चला कि मिस्र में कुछ बेहतरी के हालात हैं। इंसान जैसे भी हो लेकिन इसके दिल में एक शौक़ होता है कि मैं अपने वतन असली की तरफ आऊं। ये अल्लाह की तरफ से एक तबीई मोहब्बत होती है ना। इसलिए आप देखते हैं कि शहरी ज़िंदगी में कितनी सहूलतें हैं सब कुछ है लेकिन हमारे वो भाई जो जिनकी रिहाइशें फैमिलियाँ बड़े गांव में होते हैं तो वो बेचारे इंतज़ार करते हैं कि हम गाँव कब जाएँगे। तो शहर के लोग उनसे कहते भाई न बिजली है न गाड़ी है न पानी है न वॉशरूम है कुछ भी नहीं है। वो कहते हमारे पास ज़मीनें हैं हमें मोहब्बत है वहाँ से। ये एक तबीई चीज़ अल्लाह पाक दिल में डाल देते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि वहाँ फिरौन जैसा दुश्मन बैठा हुआ है लेकिन एक तबअन ख्वाहिश थी तो अपनी अहलिया को लिया और मदियन से मिस्र के लिए निकले। उस वक्त इनकी अहलिया जो है वो उम्मीद से थी हालत हमल से थी पेट में बच्चा था। पैदल सफ़र था चलते चलते सख्त सर्दी रात आ गई और अल्लाह की शान रास्ता भटक गए।
रास्ता भटक गए, गुम हो गया, तो अब रास्ता भी तलाश कर रहे हैं, सर्दी भी परेशान कर रही है, दो मसाइल एक साथ हो गए। तो अचानक नजर आया कि दूर जैसे कोई आग जल रही है। तो उस जमाने में तरतीब ये थी कि अगर जंगल में वीराने में कहीं आग जल रही हो, ये इस बात की दलील होती थी कि कोई उसके करीब बैठा हुआ है, आग सेंक रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को मुतमईन हो गए कि चलो वहाँ जाता हूँ। तो अपनी अहलिया से कहा कि आप यहाँ रहें, मैं जाता हूँ आग के पास, मुमकिन है कोई साथी होगा तो उससे रास्ते की तरतीब भी समझ लूँगा, रास्ता भटक गए, और आग से एक शौला उठा के ले आऊँगा, एक चिंगारी सी, जैसे कोयला होता है ना, तो वो उठा के ले आऊँगा, उसको ले आएंगे, थोड़ा सा आग सेंक लेंगे, ताप लेंगे, गर्मी भी हो जाएगी। दो मकसद लेकर के मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए, लेकिन अल्लाह का निज़ाम कुछ और था, सारी तरतीब कुछ और थी। तो जो चीज़ आग नज़र आ रही थी ना, आग, वो आग नहीं थी। इसलिए मुफस्सिरीन ने एक जुमला लिखा, वो हकीकतन नूर था बशक्ल नार, नूर था लेकिन किस शक्ल में था, नार, आग की शक्ल में था। अल्लाह की ज़ात का एक नूर था लेकिन उसको अल्लाह पाक ने नार की शक्ल दे दी ताकि ये मुतवज्जे होकर मेरे पास आए। मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ गए, वो आग पीछे हटने लगी, ये जितना आगे जा रहे वो पीछे जा रही है, ये आगे जा रहे हैं वो पीछे जा रही है, समझ गए कुछ और मामला है। फिर आग के अंदर से आवाज़ आई और अल्लाह पाक ने इनसे हम कलामी की, इन्ननी अनल्लाह, के मैं अल्लाह पाक हूँ। अल्लाह पाक ने हम कलामी की, मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ पर नबूवत के लिए मुंतखब भी फरमाया, उसी जगह पे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी बनाया गया। अब देखें अल्लाह पाक किसको कौन सा मकाम कहाँ दे, किसी को कुछ भी नहीं पता। मूसा अलैहिस्सलाम के तो वाहे में ख्याल में नहीं था ना, वो तो रास्ते की पूछ के लिए और आग लेने गए, लेकिन आग लेने गए और अल्लाह की तरफ से नबूवत लेकर वापस आ गए, मालामाल हो गए, नवाज दिए गए। तो ये तो वाकया आपके सामने। अब यहाँ जो समझने की चंद बातें नुक्ते की है वो मैं अर्ज़ कर दूँ मुख्तसरन, जो मुफस्सिरीन ने नकल की है। एक बात तो ये है कि आप देखें, अल्फाज पे गौर करें, क़ुरान करीम से आदाब ज़िंदगी समझ में आता है। इस क़ाला मूसा ले अहलिही, ये जो आज की पहली आयत नंबर 7 है, इस क़ाला मूसा ले अहलिही, क्या लफ्ज़ आया, इस क़ाला मूसा ले अहलिही। अब अहलिही का तर्जुमा, आप कोई भी क़ुरान करीम का तर्जुमा उठाएं, कोई भी तर्जुमा लुगत उठाएं, अहल कहते हैं घर वालों को। तो अब आप बताएं कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ घर वालों में से कौन जा रहा था, जी बीवी थी, अहलिया थी। क़ुरान के अल्फाज ने एक अदब सिखाया कि ये मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि इसको बयान करते हुए भी अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जाए जो अदब और हया के दायरे में हो। इसलिए आपने सुना होगा लोग कहते हैं भाई घरवाली के साथ, घरवाली के साथ, घर, इस तरह ना, ये जो ताबीर है ये एक महज़ब तरीक़ा है। अब तो हम शहरी ज़िंदगी में ज़रा अपडेट हो गए तो बिला तकल्लुफ़ कह रहे मेरी बीवी ने ये किया, मेरी बीवी ऐसी है, मेरी, ये पसंदीदा चीज़ नहीं है दोस्तों। ये अल्फाज भी एक हया का, सतर का, आदाब के तकाजे करते हैं, क़ुरान कह रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा, घर वाले तो सिर्फ बीवी है, अहलिया उनके साथ हैं, लेकिन एक अदब समझा दिया कि भाई जहाँ पे भी इंसान को कोई बात करनी पड़ जाए तो बिल्कुल वो अल्फाज न कहें जिससे एक बेतकल्लुफ़ी का मिजाज सामने आए, भाई घर वालों के साथ आया हूँ, घर वाली आई है, अहलिया आई है, जौजा आई है, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, ये मुनासिब होते हैं। दूसरी बात जो आज की आयत से समझ में आती है कि उनकी अहलिया को तकलीफ़ थी बच्चे की, हमल की। मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत भी मिल रही थी लेकिन उससे पहले वो शौहर थे,
तो शौहर के ज़िम्मे बीवी का बहुत बड़ा हक जो है वो खिदमत भी है। बिलाशुबा इसमें शक नहीं है कि बीवी होती है शौहर की खिदमत के लिए, शौहर के घर की खिदमत के लिए, उसके वालिदैन की खिदमत के लिए, उसके बच्चों के सब के लिए होती है। इससे कोई इनकार और कोई नफी नहीं है दोस्तों, लेकिन बीवी को भी खिदमत की ज़रूरत पड़ सकती है। उसकी खिदमत कौन करेगा, ये भी तो सवाल है। हमारे यहाँ ये मुआशरती खराबियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, इसको हम बना लेते हैं अपनी नाक। लिहाजा अगर अहलिया की तबीयत ख़राब हो गई, चलो भाई अपनी अम्मी के यहाँ चले जाएं, अब वो अम्मी के यहाँ चली जाए, वैसे कबूल नहीं है, वैसे गुस्सा आता है। लेकिन जब बीमार हो गई, तबीयत ख़राब हो गई, बुखार हो गया, वो नाश्ता खाना नहीं बना सकती, अब मुझे लगा कि जी अब तो एक नहीं है, तो कहा चलो भाई जाके ये घर जो है ना, ये दिन थोड़े से अपने अम्मे अब्बू के पास गुजार लो, वो तुम्हारी खिदमत कर ले। ये भी दुरुस्त नहीं। जिस तरह वो सारी ज़िंदगी खिदमत करती है और उसके ज़िम्मे है, एक इखलाकी ज़िम्मेदारी है, इसी तरीके से वो भी इंसान है, उस पर भी बीमारी आ सकती है, तकलीफ़ आ सकती है, लिहाजा उसकी खिदमत की ज़रूरत भी पड़ सकती है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़दर पैगंबर होकर अपनी बीवी की खिदमत कर रहे हैं, और उलमा ने तो इससे नुक्ता निकाला, नुक्ता निकाला कि देखिए अहलिया की खिदमत के जज्बे से आए, उनको तो नहीं पता था कि वहाँ क्या होने वाला है ना, अहलिया की खिदमत का जज्बा लाए, तो खिदमत से अल्लाह पाक ने नबूवत दे दी, मकाम दे दिया। खिदमत से तो बहुत बड़े मकामात मिलते हैं। तो मैं समझाना और अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि शौहर अगर बीवी की कभी खिदमत कर लें, उसको सहारा दे दे, उसके हिस्से का काम एक दिन कर लेना, तो खुदा के लिए इसको जन मुरीदी ना कहा जाए। साफ अल्फाज में हमारे यहाँ तो बहुत सारी गलत चीज़ें राइज हो गई ना, जो बेचारा थोड़ा सा घर का काम काज कर रहा हो, कहते हैं ये तो मुरीद हो गया, ये मुरीद हो गया। मकसद जो 40-50 साल आपकी खिदमत कर रही है, एक दिन आपने खिदमत की, एक दिन आपने बच्चों को संभाल लिया, तो हम जन मुरीद हो गया। ये अल्फाज भी बहुत काबिल गिरफ्त है, वरना तो अल्लाह के पैगंबर हैं और ख़ुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को देखें। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा क्या फरमाती है? कि उनसे एक सहाबी ने आके पूछा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब घर तशरीफ़ लाते हैं क्या करते हैं? फरमाया आकर हमारे साथ घर के कामों में हाथ बटाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर ये ऐब होता, ये जन मुरीदी होती, ये कोई कमज़ोरी होती, अल्लाह के पैगंबर क्यों फरमा रहे हैं? जिनकी ज़िंदगी कायनात की सबसे खूबसूरत ज़िंदगी, ये इन्हीं मोहब्बतों के साथ दोस्तों रिश्ते चलते हैं। आज हमने इज्जतों की बुनियाद पर रिश्ते बनाए। मैं शौहर हूँ, मैं मर्द हूँ, मेरे पास ये हक है, ये हक है, ये हक है, तो जाहिर से फिर उसके नुकसानात ये हुए कि अब मस्तूरात ने अपने हिस्से के मसाइल सीखना शुरू कर दिए ना। अब जो हमारी बच्चियाँ होती हैं वो अपने हिस्से के मसाइल समझती, तो अब जो सवालात आते हैं वो ये होते हैं कि मुफ्ती साहब ये मसला बताएं कि मेरे ज़िम्मे सास ससुर की खिदमत है या नहीं, इसलिए कि छेड़ हमने दिया ना, इसलिए कहते हैं ना खामोश को नहीं छेड़ना चाहिए, वरना वो जाग जाएगा फिर परेशान करेगा। तो मस्तूरात तो तवील अरसे से खिदमत कर रही थी, लेकिन छेड़छाड़ हमने की, तो उन्होंने भी कुछ किताबें पढ़ ली, बनात के मदारिस कायम हो गए, तो उनको पता चला कि जी मेरे ज़िम्मे तो शौहर के माँ बाप की खिदमत है ही नहीं। समझ में आ गए, मसाइल बनेंगे, मामलात बनेंगे, ख्याल करें। इसलिए हर मसले की डीप में मत जाएं, गहराई में, वरना वो अपने हिस्से के मसाइल सीखने में लग गए फिर परेशानियां बनेंगे। तो खैर ये तो अलग बात है। अभी जैसे मगरिब के बाद आपने सुना हज़रत मौलाना अल्ताफ़ुर रहमान साहब, जो साथी मौजूद थे मगरिब के बाद की मजलिस में, उन्होंने हज़रत लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या सुनाया ना, वो सुनाया। तो इसी ज़िमन में एक बात मुझे याद आई कि हज़रत मौलाना यूसुफ़ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को
एक बच्ची ने खत लिखा, खत लिखा, उसकी नई नई शादी हुई थी, कहा हज़रत मेरे ज़िम्मे सास ससुर की खिदमत है या नहीं। को पता था कि वो फकीह है, मुफ्ती है, तो फिका की किताबों में तो यही लिखा है कि शरान ज़रूरी नहीं, लेकिन वो बड़े लोग थे ना, समझते थे। तो हज़रत का जवाब देखें, हज़रत ने जवाब में क्या लिखा, ये नहीं कहा कि शरान क्या है और ये किताब में क्या है, हदीस में क्या है। हज़रत ने उस बच्ची को जवाब लिखा, फरमाए बेटी आपने पूछा है कि सास ससुर की खिदमत है या नहीं, फरमाए शरीफ बच्चियों को खिदमत करते हुए देखा है। नहीं समझ में आया, शरीफ बच्चियों को खिदमत करते हुए देखा है। एक जुमले में बात समझा दी कि इस चीज़ को उसूल पर मत लाओ, तराजू पे मत रखो। बहुत सारी बातें शराफत की वजह से होती है, इखलाक की वजह से होती है। अपने घर में आप होती तो अपने माँ बाप की खिदमत करनी थी, अब ये शौहर तुम्हारा है, इसके माँ बाप की खिदमत करके इसकी नज़र में अपनी इज्जत और अपना मकाम बना लो। तो बहरहाल ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी उसको आपकी खिदमत की ज़रूरत होगी, कभी हमें उसकी खिदमत की ज़रूरत होगी। तो इस तरतीब पर बहरहाल ये निज़ाम चलता है। बाकी इंशाल्लाह कुछ और बातें हैं वो आइंदा के दर्स में। अल्लाह पाक मुझे भी आप सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया। हमारी मस्जिद के पुराने नमाजी भाई अब्दुल गफ्फार साहब, उनकी वालिदा का आज इंतकाल हुआ है। दुआ फरमाए अल्लाह उनकी वालिदा की मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनकी वालिदा के दर्जात को बुलंद फरमाए, आने वाले तमाम मराहिल अल्लाह पाक आसान फरमाए। जितने मरहूमीन मरहूमात दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक सब की मगफिरत फरमाए। सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन।